कहते हैं ना, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, जिसे जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। अब देखिए ना, सभी स्टार्स दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स भी होते हैं जिनके पास टैलेंट तो होता है, लेकिन कई बार ये टैलेंट भी काम नहीं आता और उन्हें जरूरत पड़ती है एक करिश्मे की। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करिश्मा हुआ था इन दो एक्टरों की जिंदगी में, जिसने दोनों को सुपरस्टार बना दिया। ये दो एक्टर हैं जुबली कुमार और काका, जिन्हें लोग राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक्टर्स अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज करते थे। ये दोनों स्टारडम की उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जिसे अब तक कोई छू भी नहीं पाया। लेकिन अगर आपको इनकी सफलता का राज पता चल गया तो आप भी हो जाएंगे शॉक्ड। चलिए अब कर ही देते हैं इस बात का खुलासा। इनकी सफलता की वजह कुछ और नहीं बल्कि एक भूतिया बंगला था। जी हाँ, अब ये सुनकर तो आपके होश जरूर उड़ गए होंगे, लेकिन ये सच है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। ये उन दिनों की बात है जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने में लगे हुए थे, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद उनको सफलता नहीं मिल पाई थी और उसी समय वो अपनी फैमिली के लिए बड़े घर की तलाश भी कर रहे थे। तभी किसी ने उनके कार्टर रोड पर स्थित एक बंगले के बारे में बताया। राजेंद्र कुमार को वो बंगला एक ही नजर में पसंद आ गया था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस बंगले को खरीद पाते। उसी दौरान राजेंद्र को डायरेक्टर बीआर चोपड़ा एक फरिश्ते की तरह मिले। बीआर चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को एक फिल्म के लिए एडवांस में पैसे दे दिए और साथ में दो फिल्मों का ऑफर भी दिया। उन पैसों से राजेंद्र कुमार ने कार्टर रोड वाला वो बंगला खरीद लिया, लेकिन सभी ने राजेंद्र को वो बंगला खरीदने के लिए मना कर दिया, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये बंगला हॉन्टेड है, इस बंगले से आवाजें आती हैं। लेकिन राजेंद्र कुमार के सबसे अच्छे दोस्त एक्टर मनोज कुमार ने उन्हें घर खरीदने के लिए बोल दिया और लोगों की बातें सुनने के लिए मना भी कर दिया। लेकिन इस बंगले में रहने के बाद राजेंद्र के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बल्कि इस बंगले ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी और उसके बाद राजेंद्र एक के बाद एक हिट फिल्में देते गए। बस फिर क्या, उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो एक टाइम में उस वक्त के सबसे अमीर स्टार बन गए थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद राजेंद्र कुमार के दौड़ते करियर में अचानक ही ब्रेक लग गई थी और उन्होंने स्पोर्टिंग रोल की तरफ अपना रुख कर लिया। आगे कुछ ऐसे हालात बने कि राजेंद्र कुमार को अपना वो बंगला बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस वक्त राजेश खन्ना भी फिल्मों में कदम जमाने में लगे थे। राजेश खन्ना ने सोचा कि अगर उन्होंने राजेंद्र कुमार वाला बंगला खरीद लिया तो हो सकता है कि राजेंद्र कुमार के स्टारडम की कृपा उन पर भी हो जाए और राजेंद्र कुमार की तरह वो भी बड़े स्टार बन जाए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।